नमस्कार सबको, मेरा नाम कुशल शर्मा और मैं J&K से रहने वाला हूं और यहां पे दिल्ली में मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता हूं। सो थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जिक्र करना चाहता हूं कि सबको पहले तो नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और आपके चाहने वालों को, आपके घर वालों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। तो जिस टॉपिक में आज मैं बात करना चाहता हूं वो मेरी बेटी के ऊपर है, क्योंकि मैं एक बाप हूं कि सब कहते थे कि जब आप बाप बनोगे तो आपको पता चलेगा कि बाप बनना क्या होता है। तो शुक्रिया। तो इसमें यह है कि मैंने एक तंज कसा है लोगों पर कि जो कहते हैं कि बेटी होना थोड़ा अजीब मानते हैं लोग। सो मैं कहता हूं कि नहीं, बेटी अजीब नहीं है। आज मेरी बेटी है इसलिए नहीं क्योंकि मैं हर बेटी की इज्जत करता हूं। सो उससे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने एक डेडिकेट किया था जब मेरे बेटी होने वाली थी कि बहुत खुश होता हूं जब सोचता हूं हमारे प्यार के बारे में, बहुत खुश होता हूं जब सोचता हूं हमारे प्यार के बारे में, जब सोचा था हमने अपनी आने वाली नन्ही सी जान के बारे में। शुक्रिया। बहुत खुश होता हूं जब सोचता हूं हमारे प्यार के बारे में, जब सोचा था हमने अपनी आने वाली नन्ही सी जान के बारे में। कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं मैंने अपने छोटे से संसार के बारे में। यूं तो जिंदगी कट ही जाती हमारी और तुम्हारी एक दूसरे के साथ। ये मैंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है। यूं तो जिंदगी कट ही जाती हमारी और तुम्हारी एक दूसरे के साथ, लेकिन आज वो दिन भी आने वाला है जब कोई और जुड़ेगा बीच हमारे में। सो ये सभी बेटियों को मैं डेडिकेट करना जा रहा हूं और मैं टॉन्ट कर रहा हूं उन लोगों को जो बेटी होने पर बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं। ये मेरी आंखों देखी सच्चाई है। बहुत खुश हूं जब से एक बेटी का बाप मैं बना हूं, बहुत खुश हूं जब से एक बेटी का बाप मैं बना हूं, जिसे पाकर आज कुछ जमाने को बताने चला हूं। बहुत खुश हूं जब से एक बेटी का बाप मैं बना हूं, जिसे पाकर आज कुछ जमाने को बताने चला हूं। अब सबसे पहले एक औरत जब इस चीज को बोलती है तो कैसा बुरा लगता है। हैरान होता हूं जब कोई औरत बेटी बेटे में फर्क जताती है, बहुत गलत लगता है। हैरान होता हूं जब कोई औरत बेटी बेटे में फर्क जताती है, ना जाने बेटी होने पर वो क्या क्या कह जाती है, ना जाने बेटी होने पर वो क्या क्या कह जाती है। वो खुद भी किसी की बेटी है क्या, भूल गई वो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कनेक्ट हो तो प्लीज तालियां बजाएं। वो खुद भी किसी की बेटी है क्या, भूल गई वो, बस उसे ये याद दिलाने चला हूं। बहुत खुश हूं जब से एक बेटी का बाप मैं बना हूं, जिसे पाकर आज जमाने को कुछ बताने चला हूं। अब लोग कहते हैं कि लड़के जो हैं बड़े भाग्य से मिलते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शास्त्रों में भी ये चीजें बताई गई हैं, 100 भाग्यों को मिला के 1 सौभाग्य बनता है। जो बेटी जिसको मिलती है वो सौभाग्य से मिलती है। शुक्रिया। लोग कहते हैं बेटे तो भाग्य से मिला करते हैं, लोग कहते हैं बेटे तो भाग्य से मिला करते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता बेटियां तो सौभाग्य से मिला करती हैं। लोग कहते हैं बेटे तो भाग्य से मिला करते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता बेटियां तो सौभाग्य से मिला करती हैं। इन्हीं सब बातों के हमेशा खिलाफ मैं खड़ा हूं। बहुत खुश हूं जब से एक बेटी का बाप मैं बना हूं, जिसे पाकर आज जमाने को कुछ खास बताने चला हूं। अब आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी होली बुक्स रहती हैं, जैसे हमारी हिंदुओं की हैं, मुस्लिम्स की हैं, ईसाइयों की हैं या सिखों की हैं, सब में बेटियों को बहुत अच्छा बताया गया है। अब अगर आपको कनेक्ट हो तो प्लीज तालियां चाहूंगा आपकी कि शास्त्रों में भी बेटियों का भरपूर वखान बताया है, कि शास्त्रों में भी बेटियों का भरपूर वखान बताया है, जिसमें बेटियों से बड़ा ना कोई दान जताया है। कि शास्त्रों में भी बेटियों का भरपूर वखान बताया है, जिसे बेटियों से बड़ा ना कोई दान जताया है। इसीलिए इस बात का मैं मुरीद बना चला हूं। बहुत खुश हूं जब से एक बेटी का बाप मैं बना हूं, जिसे पाकर आज कुछ जमाने को बताने चला हूं। अब मैं लास्ट इसका पढ़ना चाहूंगा। ये मैं एक बेटी को एक माँ से कनेक्ट कर रहा हूं, सो प्लीज अगर आप लोगों को कनेक्ट हो तो फिर से आपकी तालियां चाहूंगा। सोचो अगर विधाता ने मां को ना जन्म दिया होता, एक बार सोच के देखो। सोचो अगर विधाता ने मां को ना जन्म दिया होता,
ये संसार तो होता लेकिन हम में से कोई नहीं होता। कि सोचो अगर विधाता ने मां को ना जन्म दिया होता, ये संसार तो होता लेकिन हम में से कोई नहीं होता। ये सब लिखकर मैं शर्मा, मेरा नाम कुशल शर्मा है, ये सब लिखकर मैं शर्मा ये पाठ पढ़ाने चला हूं। बहुत खुश हूं जब से एक बेटी का बाप मैं बना हूं, जिसे बताकर कुछ आज जमाने को बताने चला हूं, जिसे पाकर आज कुछ खास बताने चला हूं। थैंक यू सो मच, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये रियलिस्टिक डाइस जो लिखा है ना, ओनली बिकॉज ऑफ दिस आई केम देयर। थैंक यू सो मच।